एक पत्थर वाले सांसद हैं, काम कोई करा उस पर जाकर पत्थर टेक देते हैं। जब जब जिस जिस प्रतिनिधि ने सरकार ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को अपमानित किया है, वो उन्हें दोबारा जीतने का मौका नहीं मिला। आप देख लीजिएगा, मिला ही नहीं और मिलने का। अरे ये जिला है, यहाँ एक लड़की 166 बयान देती है, मेरे साथ रेप इन्होंने किया, नाबालिग लड़की, और पुलिस दूसरों को पेश कर देती है कि ये थे मुलजिम, वो गरीब अंसारी की लड़की थी, इसलिए तो ये सब खुलेंगे। चाहे गोचर भूमि का हो, चाहे मछली का हो, चाहे गंगा सफाई का हो, सभी खुलोगे, हमारा अधिकार है। कार्रवाई होना वो इनका अधिकार है भाई, सरकार का, पर हमारी आवाज को रोकते हैं। नमस्कार दोस्तों, एसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल, आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मुझे फंडरे कस्बा बुढ़ाना में आज एक महापंचायत का आयोजन किया गया, और यह महापंचायत आयोजित की गई थी जो यहाँ की ब्लॉक प्रमुख है पालू देवी, उनके जो नेम प्लेट है वो उखाड़ने के विरोध में, और चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा का भी अपमान करने का प्रयास किया गया, ऐसा अभी आरोप है। इस महापंचायत में कई बड़े फैसले हुए हैं, और इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक जी मौजूद है। मलिक साहब, क्या इस महापंचायत में आज फैसला हुआ? ये निर्णय हुआ, अधिकारियों ने 3 दिन का समय मांगा है, और जो लोकदल ने सभी लोगों से बात करके एक समिति बनाई थी, उन्होंने उन्हें 5 दिन का समय दिया, और उन्होंने 5 दिन के बाद कहा देखिए समय कितना ही ले लें। वो बता रहे हैं कोई CCTV फुटेज है जिसमें वो ताला तोड़ते दिखाई दे रहे हैं। अल्टीमेट आपको प्रशासन पर विश्वास तो करना पड़ेगा, और विश्वास करके ये है कि 3 दिन में देखेंगे क्या बता रही है, क्या जांच रिपोर्ट आ रही है, पर BDO बेचारा क्या रिपोर्ट देगा? BDO तो वो ही कहेगा जो ऊपर से कहलवाओगे। पर DM SSP दोनों नए अधिकारी आए, इनकी अभी से ना तो किससे दोस्ती है ना किससे बैर है, उम्मीद है कि न्याय करेंगे। इसमें देर भी इसलिए हुई कि SSP छुट्टी जा रहे थे जैसा लोग बताते, तो अभी हम लोगों को तो ये अपेक्षा है, ये विश्वास है कि प्रशासन टकराव को टालने के लिए जो सही है उसको करेगा, ये उम्मीद आपको है? ये मुझे उम्मीद है। अच्छा, आज आपने यहाँ जो भाषण दिया उसमें आप भी काफ़ी व्यथित दिखे चौधरी चरण सिंह जी के प्रतिमा के अपमान को लेकर। देखिए चो साहब बड़े फ्रीडम फाइटर थे, ऐसा राजनीतिक योद्धाओं का परिवार जिसके पति पत्नी दोनों जेल में रहे हों, आपको जानकारी होगी श्रद्धेय चो साहब भी और पूजनीय माता जी भी दोनों जेल में रहे, और एक आप बुजुर्ग का स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का, और उस व्यक्ति का जिसने ग्रामीण जनता के लोगों को और शहर के गरीब को राजनीति में लाया, जो उस अपमान करे तो अंतरात्मा हिलती है। हमने उनके चरणों में बैठ करके राजनीति की है, और आज जितने अमृतसर से लेकर भुवनेश्वर तक जो लोग सियासत में हैं, अगर वो ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं चौधरी चरण सिंह की चरण धूलि उनके मस्तक का जरूर लगी है, जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं, ऐसे हालात। अच्छा, आप जिले में एक अलग सा ही माहौल है, विपक्ष के जो जिला पंचायत सदस्य है उनको काम नहीं मिल रहा, एकमात्र ब्लॉक प्रमुख यहाँ बुढ़ाना में विपक्ष का था, उनका भी आप पिछले ही जो कामकाज है उनके आधार पर उनके भी अधिकार सीज कर दिए गए। एक पत्थर वाले सांसद हैं, काम कोई करा उस पर जाकर पत्थर टेक देते हैं, तो ये तो इनका काम है, इन्हें करने दो। देखिए मेरा एक अनुभव है, हो सके गलत हो, जब जब जिस जिस प्रतिनिधि ने सरकार ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को अपमानित किया है, वो उन्हें दोबारा जीतने का मौका नहीं मिला। आप देख लीजिएगा, मिला ही नहीं और मिलने का नहीं। अच्छा, आज इसी मन से आपने 2-3 बार आप इस बात को पहले भी कह चुके हैं, आज फिर आपने कहा कि 6 महीने पहले चिट्ठे खुलने शुरू होंगे, ये तो राजनीति का एक स्ट्रेटेजी है, इसमें क्या बात होगी? मैंने गलत कहा? महिमा का हस्तलिखित सुसाइड नोट नहीं है, हस्तलिखित नहीं है वो? अरे ये जिला है, यहाँ एक लड़की 166 बयान देती है, मेरे साथ रेप इन्होंने किया, नाबालिग लड़की, और पुलिस दूसरों को पेश कर देती है कि ये थे मुलजिम, वो गरीब अंसारी की लड़की थी, इसलिए तो ये सब खुलेंगे। चाहे गोचर भूमि का हो, चाहे मछली का हो,
चाहे गंगा सफाई का हो, सभी खुलवाओगे, हमारा अधिकार है, हम शिकायत करें, कार्रवाई हो ना, वो इनका इनका अधिकार है भाई सरकार का, पर हमारी आवाज को रोकता है कोई? हम आवाज उठाएंगे व्यक्ति के नहीं, सिस्टम के खिलाफ उठाएंगे, हम तो व्यवस्था के खिलाफ है, हमारी लड़ाई व्यवस्था से है, व्यक्ति से नहीं है। व्यवस्था सुधर जाए तो व्यक्ति तो बदलते रहते हैं। तो वेट क्यों है, अभी लगभग 6 महीने और आप क्यों इंतजार के मूड में? अब ये राजनीतिक स्ट्रेटजी है, आप पत्रकार हो, राजनीतिक लोग हैं।